दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम अपने वीडियो में या वीडियो के बैकग्राउंड में ब्लर इफेक्ट डाल सकते हैं। दोस्तों ब्लर इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि हमें किसी चीज को धुंधला करना होता है वीडियो के अंदर, जैसे हमने कोई पासवर्ड या ईमेल आईडी हम डाल रहे हैं वीडियो में, जैसे मैं खुद कभी देखा होगा आपने, मैं किसी वीडियो में आप बताया होगा कि ईमेल आईडी और पासवर्ड ऐसे डाली है, कुछ बताया मैंने, तो उसमें आप देखे होंगे कि उस जगह पे धुंधला हो जाता है या जो है कि वहां दिखता नहीं कि पीछे क्या लिखा जा रहा है, दोस्तों उसे ही ब्लर इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों बताऊंगा मैं पूरे डिटेल से इस वीडियो में कि आप कैसे अपने वीडियो में या वीडियो के बैकग्राउंड में ब्लर इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों जल्दी वीडियो को कर दीजिए लाइक। मैं हूं आपका दोस्त अजय गिरी और आप देख रहे हैं यूटेक बाबू टेक्निकल। दोस्तों ऐसे ही सही जानकारी और क्वालिटी बेस्ट जानकारी के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाकर लाता रहता हूं। दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा बनाई गई जानकारी या वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कैसे हम अपने ब्लर इफेक्ट को यूज कर सकते हैं वीडियो के बैकग्राउंड में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि कैसे हम अपने वीडियो के बैकग्राउंड में वीडियो में ब्लर इफेक्ट को यूज कर सकते हैं काइन मास्टर की मदद से। दोस्तों सबसे पहले हम काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जो निशान दिख रहा है आपको प्लस का, हम इस पर क्लिक करेंगे और 16:9 को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम जाएंगे मीडिया में। दोस्तों जो भी हमें वीडियो लेना है जिसका बैकग्राउंड या उस वीडियो हमें ब्लर इफेक्ट को यूज़ करना है, दोस्तों उसको हम ले लेते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने ये वीडियो शूट किया है, दोस्तों मैं इसको ले लेता हूँ। और दोस्तों हमें बैकग्राउंड में जो है इसके ब्लर करना है, दोस्तों सबसे पहले हम कर जाएंगे लेयर में। दोस्तों लेयर में जाने के बाद दोस्तों दिख रहा है आपको सेकेंड जो है इफेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों बेसिक इफेक्ट लिखा है, दोस्तों बेसिक इफेक्ट पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने दो तरह के जो इफेक्ट दिख रहे हैं यहाँ पर आपको वो शो कर रहा है। दोस्तों हमें जो सबसे पहले वाला है, दोस्तों हमें सबसे पहले वाले पर क्लिक करेंगे और दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों देखिए हमारा जो मेरा फेस जो है वो है ब्लर हो चुका है दोस्तों इस समय। दोस्तों अगर इसका स्ट्रेंथ बढ़ाना है या हमें अधिक ब्लर करना है कि मेरा फेस बिल्कुल ना दिखे, दोस्तों जो हमें ये निशान दिख रहा है, दोस्तों ये निशान चिन्ह जो है ये है बेसिक सेटिंग ब्लर से स्ट्रेंथ का। दोस्तों हमें इसमें उसको बढ़ाते जाना है। अगर बढ़ाते रहेंगे आप तो जितना भी आपको लग रहा है कि ये सही है दोस्तों उसमें आप उतना इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे तरह के ब्लर इफेक्ट का। दोस्तों उसके लिए हमें फिर से जाना होगा लेयर में और दोस्तों उसके बाद जाना होगा इफेक्ट में। और दोस्तों बेसिक इफेक्ट पर हमें दोस्तों क्लिक करके जो सेकेंड नंबर का है मोसेक, दोस्तों इस वाले पर हमें क्लिक करना है। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये इफेक्ट जो है पहले वाले इफेक्ट से बिल्कुल ही अलग है। दोस्तों आप पहले वाला इफेक्ट दोस्तों इस तरह का था और दोस्तों ये जो इफेक्ट है वो इस तरह का है। दोस्तों इसको भी हम चाहें तो अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं इस ब्लर इफेक्ट को। देखिए दोस्तों अब बिल्कुल मेरा फेस जो है बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। दोस्तों इस तरह आप भी ब्लर इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए। उसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो के अंदर आपने किसी चीज़ को ले लिया, जैसे मान लीजिए मैं वीडियो में अगर किसी वीडियो को ले लेता हूँ, अपने वीडियो में या किसी इमेज को ले लेता हूँ, उसको मुझे अगर ब्लर करना है, अगर मुझे किसी ईमेल आईडी या पासवर्ड को छुपाना है दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि दोस्तों आपको फिर से जाना है लेयर में। उसके बाद दोस्तों क्लिक करना है मीडिया में। और दोस्तों जैसे मान लीजिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर ये है मैंने इसको ले लिया है इसमें यूज़ करने के लिए। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये साइड में ये छोटा सा हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इससे मैं ब्लर करूँ, दोस्तों हमें फिर से वही काम करना है जो कि लेयर में जाना है और इफेक्ट में जाकर बेसिक इफेक्ट पर क्लिक करके मोसेक या गुसेन ब्लर को हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें इसी जो हमारा जो फोटो या वीडियो हमने सेलेक्ट करके अपने वीडियो में यूज़ किया है इस समय, दोस्तों हमें उस पर जाकर फिर से वही काम करना है, स्ट्रेंथ बढ़ाना है या स्ट्रेंथ कम करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही क्वालिटी बेस्ड और सही जानकारी वाले वीडियो बनाकर लाता हूँ। धन्यवाद।